और दिनेश खोटनिया उसके ईडी घुस गई, स्मृता चौधरी का भी ईडी घुस गई। पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और ऑफिस पर छापेमारी कर रही है। शुक्रवार सुबह टीम जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर में करीब 9 जगह पहुंची। ये सभी घर और ऑफिस दिनेश खोडनिया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के हैं। स्पर्धा चौधरी पेपर लीक में फरार सुरेश ढाका की महिला मित्र है, वहीं अशोक जैन भी एक कांग्रेस नेता का करीबी है। इधर जयपुर में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने गणपति प्लाजा टावर में दिनेश खोडनिया के करोड़ों का काला धन छिपे होने का दावा किया है। मीणा ने सुबह करीब 11 बजे प्लाजा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद मीडिया के साथ प्लाजा के बेसमेंट में पहुंचे। यहां मौजूद प्राइवेट लॉकर्स को लेकर सांसद ने कहा कि इनमें काला धन मौजूद है। उनका कहना है कि जब तक ये लॉकर खोले नहीं जाएंगे तब तक वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। दिनेश खोडनिया की चोटी, दिनेश खोडनिया पकड़ा गया है, पकड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री की चोटी पकड़ ली जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक, सब इंस्पेक्टर और आरएस में 150 करोड़ रुपए दिनेश खोडनिया ने बनाए। दिनेश खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया था मुख्यमंत्री जी से कहकर। दिनेश खोडनिया मुख्यमंत्री जी का खास है और उनके पैसे की लेन देन दिनेश खोडनिया ही करता है मुख्यमंत्री जी के पैसे के लिए। जिसको राज्यसभा में भेजा जा रहा था वो दिनेश खोडनिया, उसके ईडी घुस गई और वो स्मृता चौधरी का भी ईडी घुस गई। जो सरगना है, जो आरएलपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष इस समय और कांग्रेस की पहले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रही है, उसको उसने बताया है कि बाबूलाल कटारा और चेयरमैन और सारे खोडनिया वगैरह सब इस पेपर लीक में लिप्त हैं। 1100 लॉकर हैं, 50,000 हैं जो नॉन ऑपरेट हैं, जो 10 साल से ऊपर से बंद हैं। अभी तक कोई उन लॉकर को खोलने नहीं आया और 40 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन में है। मोहिनी शेखावत एक महिला है जो यहाँ पर आई थी लॉकर खोलने के लिए, उसको लॉकर नहीं खोलने दिया गया। ये मोहिनी शेखावत DOIT के एक बड़े अधिकारी की धर्मपत्नी है और DOIT का पैसा यहाँ पर करोड़ों है, सोना भी यहाँ पर है, सिल्लियाँ निकलेंगी और नकदी भी निकलेगी। मैं बैठा हूँ, जब तक नहीं निकलेगी वो तो खोलने से पता लगेगा। आप कह रहे 450 करोड़ का अंदाजा है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर, पुलिस आ गई है, बात हुई आपसे, क्या बात? पुलिस अपने अधिकारियों से पूछ रही है साहब क्या करें, ये गले में फंदा डल गया है। IT को बुलाएं, ACP को बुलाएं। मैंने कहा ACP को बुलाओ, अब वो किसको बुलाते हैं? छापे नहीं मारी, नहीं छापे मारी, मीडिया कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। मीडिया आया और मीडिया के कारण ये दबाव बनेगा कि चोरों का काला धन जो करीबन 500 करोड़ रुपए बनता है और 50 किलो सोना, ये जो ये है लॉकर, कुछ देर में उगलना चालू कर देंगे। ईडी को नहीं कह सकते हम, सीधा ईडी कार्रवाई कर भी नहीं सकती, इसमें ACP कर सकती है, राजस्थान पुलिस कर सकती है और IT कर सकती है।